नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं अजय इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नया फीचर व्हाट्सएप में जुड़ गया है दोस्तों। अजय हाँ, ये मतलब दो फीचर जुड़ा है। पहला टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में आप जानते होंगे, अगर जीमेल यूज करते होंगे तो जरूर जानते होंगे दोस्तों। अभी क्या था, अभी तक आपको अगर इंस्टॉल करना होता है व्हाट्सएप को, मतलब दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है, ऑलरेडी एक बार इंस्टॉल करके एक्टिवेटेड है, तो वो 4 डिजिट का आपको ओटीपी भेजता था। अब क्या है, ओटीपी तो भेजेगा, लेकिन क्या था कि अगर आपका सिम कार्ड या मोबाइल हैंडसेट कोई आपका फ्रेंड या कोई भी आदमी अगर फिजिकली लिंक कर लेता है, तो वहां पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो जिस सिस्टम में चाहे उस सिस्टम में इंस्टॉल कर लेगा उस वेरिफिकेशन ओटीपी कोड के थ्रू। लेकिन अब टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या है कि एक पासवर्ड जनरेट होगा जो आपके पास रहेगा, मतलब जब जब रीइंस्टॉल किया जाएगा तो वहां पर पासवर्ड मांगेगा। अब पासवर्ड क्या है कि आपके ईमेल पे भेजा जाएगा। जब आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कीजिएगा तो वहां पे आपको ईमेल आईडी देना होगा, जो ईमेल आईडी के जब वेरीफाई कर लीजिएगा तो वहां पे 6 डिजिट का पासवर्ड भेज देगा। अब वो पासवर्ड जब जब इंस्टॉल करना होगा तो वहां पे पासवर्ड आपको डालना होगा, तभी आगे बढ़ेगा, मतलब इंस्टॉल होगा, प्रॉपरली एक्टिवेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा व्हाट्सएप उस नंबर पे एक्टिवेट। ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो लोग मतलब कोशिश करते हैं कि दूसरे का व्हाट्सएप हैक कर ले या मिसयूज कर ले, इससे रिलेटेड जो है सिक्योरिटी थोड़ा बढ़ा दिया गया, तो अच्छी बात हो गई। इसके बाद अगर आपको पासपोर्ट मान लीजिए कोई और आदमी जान गया तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। एक बार पुराने पासपोर्ट जो मतलब जिस डिवाइस में आप एक्टिवेटेड किए हुए हैं वहां पे चेंज कर दीजिए, या ईमेल आईडी पर जाकर के आपको जो फॉरवर्ड कर दीजिएगा तो ईमेल आईडी पर से भेज देगा पासपोर्ट, नया पासपोर्ट, और वो आप रख सकते हैं। तो पासपोर्ट बार बार चेंज नहीं होगा, ओटीपी हर सिस्टम में चेंज होता था। जब जब इंस्टॉल करना होता था तो ओटीपी हर बार न्यू ओटीपी आता था, लेकिन पासपोर्ट वही रहेगा। ये है क्या नया फीचर। दूसरा फीचर जो रहा वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। दोस्तों अभी तक क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई आदमी आपको ऑडियो भेजा, मतलब म्यूजिक भेजा, तो जिम ही वो ऑडियो ओपन करते हैं तो चलने लगता था, और जिम बैक करते थे उसके चैट से निकलते तो वो ऑडियो बंद हो जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं, वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा या तो म्यूजिक ओवर ना हो जाए या स्क्रीन आपका लॉक ना हो जाए। ये दो कंडीशन में ही वो म्यूजिक बंद हो सकता है या मेमोरी बंद करना चाहते तो वो तो होगा ही होगा। ये दो फीचर जुड़ा है दोस्तों। मेरा काम था आप लोगों को पास जानकारी दे दूँ। अगर जानकारी अच्छी लगे तो नीचे लाइक बटन है, लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ अगले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह मैं डेली टेक वीडियो लाता रहता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत